हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिड आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसके यूनिट 2 एलजेब्रा का चैप्टर 6 प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 6.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज प्रीवियस जो हमने चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी पे बेस्ड है। ये सारी इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो आज ये सॉल्व करना हम सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां से आप बाकी के सॉल्यूशंस आसानी से देख पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313, फाइंड द नंबर्स। तो यहां पर हमको दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेने हैं। कंसेक्यूटिव होता है एक के बाद एक, जैसे टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, तो ये कहलाएंगे आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो हम मान लेते हैं लेट द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x एंड x प्लस वन। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ द स्क्वायर्स, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर का सम, मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर इज 313। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस 313 इज इक्वल टू जीरो। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। सो x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम 156 के फैक्टर्स ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 12 इंटू 13, 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 13 माइनस 12 कॉमन लिया, एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो। सो वी गॉट टू सॉल्यूशंस, एक्स प्लस 13 एंड एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से आइदर एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 13, और वी कैन से x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो माइनस 13 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। वील टेक x इज इक्वल टू 12 एज ई सोल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 12, therefore required numbers are 12, और x plus 12 मतलब 13, 12 and 13 are the solution. Next is question number 2, 9 times a certain whole number is equal to 5 less than twice the square of the number, find the number. तो यहाँ पर आपको होल नंबर निकालना है, होल नंबर हमको गिवन है। तो लेट द नंबर बी एक्स, तो अब हमको कंडीशन दी है 9 टाइम्स ई सर्टन होल नंबर, मतलब 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर, ट्वाइस द स्क्वायर से 5 लेस। तो इससे अब हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। सो 2x हमने कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस एक्स 1 हमने कॉमन लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। सो x माइनस 5 एंड 2x प्लस 1, ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए। सो वी कैन से आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई 2। तो हमारा जो आंसर है वो होल नंबर में होना चाहिए, तो माइनस 1 बाई 2 हम नहीं लेंगे, आंसर विल बी 5। देयरफोर
द रिक्वायर्ड होल नंबर इज 5. क्वेश्चन नंबर 3. सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2/15. फाइंड द नंबर्स. तो हमें यहाँ पर दो नेचुरल नंबर्स का सम गिवन है, तो इसको थोड़ा सा मैं इजी बनाने की कोशिश करूँगी. अगर हम दो नंबर एक्स और वाई ले लेंगे जिसका सम है 8, ठीक है ना, तो दूसरा नंबर जो वाई होगा दैट विल बी 8 - x, ठीक है ना. क्योंकि हमको सिर्फ सिंगल वेरिएबल लेना है तो कन्फ्यूजन ना हो, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करके भी हम यहाँ नंबर्स लिख सकते हैं. सो हम यहाँ लिख पाएंगे लेट द टू नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड 8 - x, ठीक है. अब हमको दिया गया डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब 1/x प्लस 1/8 - x इज इक्वल टू प्लस नहीं डिफरेंस है सो 2/15, ठीक. अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं. x इंटू 8 - x, 8 - x - x इज इक्वल टू 2/15, सो 15 8 - 2x इज इक्वल टू 2x - 8 - x, ठीक है. इसको अब हम सॉल्व कर देंगे. इसमें से 2 और कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 × 2 = 4 - x इज इक्वल टू 2x - 8 - x. ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया. 15 × 4 = 60 माइनस 15x इज इक्वल टू 8x - x². सो एक्स स्क्वायर माइनस 15x - 8x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. तो अब हम इसके फैक्टर्स कर देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस 20 और हमने कॉमन लिया यहाँ से माइनस 3 एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0. सो एक्स माइनस 20 एंड एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आर द टू सॉल्यूशंस. सो वी कैन से आइदर एक्स इज इक्वल टू 20 और एक्स इज इक्वल टू 3. ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए हैं. तो यहाँ पर आपको सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर 8 होना चाहिए, ठीक है ना. तो 8 से ज़्यादा तो 20 हो रहा है, तो 20 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक्स 20 में कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा ही जाएगा. तो ये नंबर हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि 3 में हम 5 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा. तो हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी 3. सो वी कैन से देयरफॉर वन नंबर इज 3 एंड अदर नंबर इज 8 - 3 दैट इज 5, ठीक. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड टू नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाय 4 फाइंड एंड द सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 170. तो अब हम यहाँ दो नेचुरल नंबर्स ले लेंगे. लेट द टू नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 4. इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 4 ज़्यादा है इस नंबर से. एंड द सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर कितना है? 170. अब इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 170 इज इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 154 इज इक्वल टू 0. 2 हमने कॉमन ले लिया. एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा प्लस 4x माइनस 77 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77 इज इक्वल टू 0. तो हम इसके फैक्टर्स कर देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस
7x माइनस 77 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। x कॉमन लिया x प्लस 11, माइनस 7 कॉमन लिया x प्लस 11 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास x माइनस 7 एंड x प्लस 11 दो फैक्टर्स आ गए। देयरफॉर वी कैन से आइदर x माइनस 7 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई 7, और वी कैन से x प्लस 11 इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हमारे x की वैल्यू आ गई माइनस 11। सो नेचुरल नंबर है तो माइनस 11 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, वील टेक 7 एज द आंसर। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 एंड 7 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर इज 45, द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, डिटरमाइन द नंबर। तो हम ले लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, मतलब लार्जर वाले के स्क्वायर से अगर हम स्मॉलर वाले का स्क्वायर डिफरेंस कर दें तो 45 आ जाता है। ये फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरा है, अगर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 4 टाइम्स दी लार्जर नंबर ये आ जाता है, मतलब वाई स्क्वायर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करते तो 4 टाइम्स दी लार्जर नंबर आ जाता है। तो हम y स्क्वायर की जगह 4x पुट कर देंगे, ये वाला y स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 45। सो योर इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 9 5 जो 45 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 9 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो सॉल्यूशंस हैं। वी कैन से आइदर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 9, और वी कैन से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5। ठीक, तो अगर हमारे पास लार्जर नंबर x है, मतलब 9 है, तो स्मॉलर नंबर उसका 4 टाइम्स का रूट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट पार्ट, अगर हम व्हेन x इज इक्वल टू 9, दैट इज द लार्जर नंबर। ठीक है, सो y दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9, सो 2 इंटू 3 दैट इज 6। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलर नंबर। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 5, दिस इज द लार्जर नंबर, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू माइनस 5, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो लार्जर नंबर है दैट इज 9 एंड स्मॉलर नंबर इज 6, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 6 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 6, देर आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू गिवन 154, फाइंड द इंटीजर्स। सो लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। तो हमें ये कहा गया है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट अगर इंक्रीज कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू के साथ, वी गेट 154। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू
154. This becomes 2x square plus 3x plus 2 minus 154 is equal to 0. 2x square plus 3x minus 152 is equal to 0. तो अब हम इसके फैक्टर्स नहीं कर पाएंगे, सो वी विल बी यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. सो वी कैन से ऑन कंपेरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वी गेट ए इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू थ्री एंड सी इज इक्वल टू माइनस 152. अब इसके अंदर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू माइनस 152 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टू. सो माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे 1216 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4. सो इट इज़ माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1225 डिवाइडेड बाय 4. सो इट इज़ माइनस थ्री प्लस माइनस 35 बाय 4. सो एक्स की वैल्यू एक तो आ गई माइनस थ्री प्लस 35 बाय 4 एंड वी कैन राइट माइनस थ्री माइनस 35 बाय 4. तो यहाँ पर आ जाएगा ये 32 बाय 4 एंड माइनस 38 बाय 4. ये दोनों कैंसिल हो गए 8 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 वन्स एंड 9s. सो वी गेट टू आंसर्स. इंटीजर तो है लेकिन नेगेटिव में फ्रैक्शन इंटीजर्स नहीं होते, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 8. ठीक है, तो थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट नंबर वुड बी 8, सेकेंड नंबर वुड बी 8 प्लस 1 दैट इज 9 एंड थर्ड नंबर will be 8 plus 2 that is 10. So the required numbers are 8, 9 and 10. Question number 7. The sum of the squares of the three consecutive even integer is 200. Find the integers. तो हम assume कर लेते हैं, let the three consecutive even integers b x x plus 1 x plus 2. अब हमें बात करनी है इवन इंटीजर्स की जो कि 2 का मल्टीपल हो, तो हम यहाँ 2 2 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स दे आर इवन नंबर्स. अब हम करेंगे स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर. इन सब के स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए? 200. अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, उसके पहले अगर हम चाहें तो 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल के 4 लिख सकते हैं. यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 200. 4 50 टाइम्स ये चला जाएगा, तो ये 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 2x और 4x हो गया 6x, इन दोनों को ऐड किया प्लस 5, माइनस 50 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45 इज इक्वल टू 0. सो 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. अब 15 के ऐसे फैक्टर्स के 2 आ जाए, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सॉरी माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन एक्स प्लस 5 माइनस 3 कॉमन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 3
आर इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आइदर x प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, जैसे कि x की वैल्यू आ गई माइनस फाइव, और वी कैन से x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ से x की वैल्यू आ गई थ्री। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इंटीजर्स होंगे दैट विल बी इफ x इज इक्वल टू माइनस फाइव, देयरफॉर नंबर्स आर, इसमें पुट करेंगे माइनस टेन, माइनस एट एंड माइनस सिक्स। इफ x इज इक्वल टू थ्री, देयरफॉर नंबर्स आर सिक्स, एट एंड टेन। सो हेंस दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, फाइंड द नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स, तो स्क्वायर इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश का मतलब होता है डिफरेंस, बाय 84 एंड 3 टाइम्स एक्स मोर देन 8। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x प्लस 24। सो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 9 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट x माइनस 12 एंड x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जहाँ से x की वैल्यू आ गई है 12, और वी कैन से x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जहाँ से x की वैल्यू आ गई है माइनस 9। नेचुरल नंबर है तो माइनस नाइन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हम लेंगे एक्स इज इक्वल टू 12 एज द आंसर। सो वी कैन से एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 12 इज द रिक्वायर्ड नंबर। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां से आप डायरेक्टली अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ पाएंगे। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।